वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा जब क्या बोलते मैंने होप को अडॉप्ट किया था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने Q&A किया था। तो उसके बाद मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस पूछा था कि होप को भी अपने साथ ले जाओगे या नहीं। तो होप को साथ ले जाना मैंने बोलता उस टाइम पॉसिबल नहीं है, बट अभी मैंने होप के लिए एक नई चीज़ सोची है और हमने उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कर भी दिया है। तो आपको मैं आज एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली हमने जो बाइक में है जो होप के लिए डॉग कैरियर है वो इंस्टॉल हमने कर दिया है, मैन्युअली हमने बना दिया है। एंड मैं आपको डॉग कैरियर दिखाता हूँ, तो तैयार हो जाइए आप लोग। ये देखिए, ये है होप के लिए डॉग कैरियर। तो ये जो बाइक है मेरी, ये है NS 200, एक स्पोर्ट्स बाइक, और इसमें कैरियर को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा टफ काम था। तो NS 200 एक तो देखो स्पोर्ट्स बाइक है, तो अब ऐसे में क्या था कि इसमें आगे की तरफ होप को मैं बैठा नहीं सकता था होप के साइज़ के हिसाब से, क्योंकि जो टैंक का पोजीशन है वो एरोडायनामिक्स के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन किया है कि मतलब आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो था टेल वाला सेक्शन। तो मैं आपको अब पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमने बनाई है। पहले आप जो इसका बिहाइंड द सीन्स, ये जो कैरियर बनने का वीडियो था वो आप देखिए। तो जो आप पहला सीन देख रहे हैं उसमें जो हमारे नदीम भाई हैं और उनके जो हेल्पर हैं, उनके भाई हैं आगे सोभी, तो वो ले रहे थे बाइक का जायज़ा। उन्होंने मतलब देखा कि बाइक में आखिर किस तरीके से बनाना है। उसके बाद जो अगला सीन आप देख रहे हैं उसमें बेसिकली जो काम चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि सीन, उन्होंने पाइप को पीसेस में काटना स्टार्ट किया बराबर बराबर, और जो आप देख रहे हैं फिर अगला काम क्या था कि जो पाइप है उसको बैंड भी करना था, क्योंकि आपने जो बाइक में देखा कि बाइक में जो पाइप है वो किस तरीके से बैंड किया गया है फ्रेम में। तो अगला जो काम था वो था पाइप को बैंड करना। देन अगेन मेज़रमेंट ज़रूरी है, क्योंकि बाइक स्पोर्ट्स बाइक में जो क्या बोलते हैं टेल वाला सेक्शन है, आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो वो क्या बोलते हैं थोड़ा छोटा होता है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा डिज़ाइन का खास ध्यान रखना पड़ा। फिर कुछ समय तक अब ऐसा था सीन की क्या बोलते हैं वो बेसिकली सुबह से शाम हो जाना था उस काम में, तो मैंने कहा चलो एक टाइम लैप्स बना लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। फिर सीन क्या था कि जो हमारा बेसिक एक सिंगल फ्रेम था वो हमारा डिज़ाइन हो गया था, तो उसको रख के पहले टेस्ट किया। अगली जो चीज़ थी वो थी, आप अगर ध्यान से नोटिस करें आपको एक छोटी सी जो प्लेट दिखाई दे रही है अभी वीडियो में, बेसिकली वो जो चीज़ है वो वेल्ड होके फ्रेम में, उसके बाद वो फ्रेम स्लाइडर कह रहा हूँ, जो ग्रैब रेल है उसमें लगने वाली थी। तो उसके बाद जो आपको ये छोटी छोटी प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, बेसिकली ये जो मेटल है इसको हमने फ्रेम स्लाइडर बोल रहा हूँ अगेन, एक्चुअली हमने जो ग्रैब रेल थी उस वाले पोर्शन में फिट किया स्क्रू से। अच्छा एक चीज़ और, कि जो सीट लगाना हो रहा है अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सीट को थोड़ा हल्का ज़्यादा पुश करके वो करना पड़ रहा है फिट। फिर जो आप लोगों ने ग्रैब रेल में जो आपने छोटा सा मेटल का पीस देखा उसमें दो पीस क्या बोलते हैं बेसिकली वेल्ड किए, और या दैट वाज द वेल्डिंग प्रोसेस। जब किसी चीज़ को वेल्ड करते हैं तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है लोहा खासतौर पर, तो उसके बाद पानी डालना हर एक स्टेप के बाद इंपॉर्टेंट था। तो जो बेसिकली काम था ना वो सुबह से शाम तक चलता रहने वाला सीन था जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो नदीम भाई लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, एंड आई मीन बहुत ज़्यादा मेहनत सीरियसली। तो वीडियो में अगली चीज़ जो आपको दिख रही है वो है फुटरेस्ट से आपको एक जाता हुआ सिंपल एक रॉड दिखाई दे रही होगी, तो वो फ्रेम में बेसिकली कनेक्ट होने वाली थी एज एन एक्स्ट्रा सपोर्ट। सेम ऐसे ही जो दूसरी साइड का था मींस जो लेफ्ट साइड का था उसको भी फिट करना पड़ा। उसमें एक दिक्कत थी, उसमें दिक्कत ये थी कि जो NS में जो पीछे वाली सीट है वो नीचे चाबी लगा के खुलती है, तो हमें उसके लिए भी स्पेस देखना था कि वो चाबी पूरी तरीके से घूम जाए। तो नदीम भाई ने वो भी बात को ध्यान में रखते हुए उसको उस तरीके से वेल्डिंग करा। तो अगर आप अगली वीडियो में देखें तो आप नोटिस करेंगे जो साइड की जो रॉड्स हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो अगला काम था वो एक लेवल इंक्रीज करना, वेल्ड करके एक जो दूसरी रेलिंग है वो वाला पोर्शन उसमें वेल्ड करना।
जो वेल्डिंग का प्रोसेस था वो सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, क्योंकि वेल्डिंग करके फ्रेम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना था। नदीम भाई लोगों ने अगेन बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा था उस टाइम जब फ्रेम बन रहा था। तो जो फ्रेम था वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। और जो बैटरी की वायर थी जो उस टाइम पे हमने निकाली थी काम करते टाइम, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो उसको निकाल दिया था, तो वापस कनेक्ट करी। और फाइनली हमने जो सीट थी वो ला के देखा कि फ्रेम किस तरीके का दिख रहा है। तो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्रेम था वो डिज़ाइन हो गया था। और उसी की अगली वीडियो में आप थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे कि जो फ्रेम था उसमें बेसिकली मैंने फोम लगा के उसमें कवर चढ़वा दिया था उसी शाम को, बट फिर मैंने नोटिस किया कि जब हम सीट लगा रहे थे होप के लिए उसमें, तो वो लेवल बहुत छोटा हो जा रहा था और होप की जो हाइट है, होप का साइज़ है, बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया कि मैं अगले दिन वापस उधर गया, हमने एक लेवल और बढ़वाया उसमें। तो जो हमने लेवल बढ़ाने का काम किया वो आप प्रोसेस देखिए, थोड़ा स्पीड अप भी होगी कहीं कहीं पे फुटेज, बट आपको अंदाज़ा आ जाएगा क्योंकि होप का जो साइज़ है उसके हिसाब से एक लेवल की तो मांग और थी, सही बताऊँ तो ऐसा कुछ सीन था। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि जो अभी फ्रेम है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया था, तो अभी होप उसमें प्रॉपर फिट आ सकती थी। तो ऐसा कुछ सीन था, मतलब दो दिन जाना पड़ा वापस। हमने सही बताऊँ तो पहले दिन में क्या बोलते हैं फोम लगा के कवर चढ़ाया था, दूसरे दिन में हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ी और इस बार तो डबल हो गया क्योंकि जो दूसरा वाला मिडिल वाला लेवल था वो उसका फोम निकाल दिया था, ऊपर वाले फिर चढ़ाना था, बट स्टिल इट वॉज़ गुड और फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और एक ये छोटा सा टाइम लैप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें मैं और अंशु आपको दिखाई दे रहे होंगे सीन में और साथ में होप भी दिखाई दे रही होगी। तो एक्चुअली इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो बकल्स थे हम उसको फिट कर रहे थे, अंशु ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, अंशु थैंक यू सो मच फॉर दैट।
तो अभी आप लोगों ने वो वीडियो देखी बिहाइंड द सीन्स, जो हमने कैरियर था किस तरीके से डिज़ाइन किया, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आई। फॉर एग्जांपल हमने पहले एक लेवल डिज़ाइन किया था। एक लेवल का मतलब क्या है कि देखिए, जो केवल इतना वाला पोर्शन है पहले होप के लिए, अब आप अगर इसमें नोटिस करें तो सीट की मोटाई इतनी ज़्यादा है और ये लेवल इतना, होप तो फिर यहाँ यहाँ तक आ रही थी उस पर। तो अभी क्या था कि हमें चेंज करना था वो सीन। फिर हमने क्या किया, फिर मैं अगले दिन गया और मैंने ये वाला लेवल जो है वो वेल्ड कराया बेसिकली इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, बेसिकली हमने किस तरीके से बनाया। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मेन बेस आखिर है कहाँ पे, ये चीज़ मतलब टिकी किस पे है। तो ये देखिए, ये है चाबी है ना इसकी। और इसमें एक दिक्कत और थी, अब आप देख रहे हैं ये वाली जो यहाँ पे आपको रॉड दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से आके यहाँ पे याले फुटरेस्ट के एलन की में ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रही थी कि आखिर हम ये रॉड इंस्टॉल करेंगे तो चाबी कैसे लगाई जाएगी। तो नदीम भाई ने उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। यहाँ से जो है, आपको अभी तो ये कवर दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ से इसको वेल्ड करके काटा गया है। अगर मैं इसको दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हल्का से कर्व दिखाई देगा आपको। तो अभी चाबी लगा के पहले मैं पीछे वाली सीट खोल के आपको दिखाता हूँ। पीछे वाली सीट को निकालना बहुत टफ काम है, आप देखिए। हालांकि मैंने अभी चाबी से इसको खोल दिया है, तो पीछे वाली सीट पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये हमारी निकल गई पीछे वाली सीट, फिलहाल इसको इधर ही रख देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बिनीत, इसके नीचे आखिर है क्या। तो अगर आप ध्यान से इस कैरियर को देखें, जैसे कि आपने वेल्डिंग वाले पार्ट में देखा था, यहाँ से एक ऐसे करके एक लोहे की प्लेट आ रखी है, एक्चुअली ये डबल है। तो इसको क्या है, हमने बेसिकली जो आप ग्रैब रेल देख रहे हैं, जो ये ग्रैब रेल होती है, जो क्या बोलते हैं, तो अभी इसमें क्या सीन है कि इसका जो ऐसे करके प्लेट गई है, इसको एलन की से इसकी ग्रैब रेल में कनेक्ट किया है अगर आप देखें तो। और अच्छा एक मिनट, मैं ऊपर वाली जो सीट है पहले होप की वो निकालता हूँ, फिर आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। तो ये मैंने निकाल दी है होप की सीट, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगी ये जो लोहे की ऐसे करके प्लेट आई है, ये इस तरीके में बहुत मजबूती से वेल्ड की है। जो ग्रैब रेल की एलन की है उसमें कनेक्ट की है हमने, सेम इधर भी। और फिर क्या सीन है, जो होप की सीट लगनी थी उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे बार्स लगाई हैं, 1, 2, 3 बार्स, और उसके बाद होप की जो ये सीट है ये फिट आ जाती है। अभी इतनी बड़ी सीट है एंड दिस इज़ द थिंग। तो अब अगली चीज़, इसको जो दूसरा सपोर्ट हमने दिया था वो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रॉड से दिया है। यहाँ पे एक बोल्ट कनेक्टेड है और फिर यहाँ पे आपका लेग गार्ड में जो एलन की है उसमें बोल्ट कनेक्टेड है। और दूसरी साइड से भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने बोल्ट यहाँ पे एक टाइट किया, फिर ऐसे करके ये रॉड आई है और यहाँ तक। ये बेसिकली आगे तक नहीं गया पोर्शन, बस यहाँ तक, जहाँ तक रिक्वायरमेंट थी इसकी वहीं तक। तो यहाँ से एलन की से ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके में जो है ये चीज़ हमने डिज़ाइन की है। अगली चीज़ मैं दिखाता हूँ, अब होप को बैठाना। होप को बाइक में बैठाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि होप की आदत ऐसी है कि वो जंप करने लग जाती है, या कुत्ते की आदत ऐसी होती है जब वो रास्ते में किसी को देखते हैं, जानवरों को, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ऐसे में क्या होता है, बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। हालांकि बाइक डिसबैलेंस अभी थोड़ी हो रही है, बट वो मेरे को आदत बनानी पड़ेगी, होप को भी आदत बनानी पड़ेगी। अच्छा बाय द वे, होप यहीं पर है, होप यहीं पर है, होप के मज़े हो रहे हैं अभी। मैं आपको अच्छा पहले होप का ही दिखाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो होप का जो ये है हार्नेस, अब हार्नेस में हमने क्या किया, हमने इसमें बकल्स जो हैं वो सिल दिए। एक बकल ये है पीछे के लिए, दूसरा पीछे में ही, तीसरा हो गया ये वाला, और ये हो गया इधर की साइड से चौथा। तो इस तरीके में ये होप का हार्नेस है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो है इस वाले से हम एक क्या बोलते हैं बकल ऐसे करके स्ट्रैप ऐसे अंदर से उधर की तरफ डालते हुए वो लगाते हैं। वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा किस तरीके से। और उसके बाद क्या है, जो आपने होप के साइड में, शोल्डर के साइड में जो आपने बकल्स देखे थे, वो हमने फिर यहाँ अटैच किए, दो नीचे की तरफ बेसिकली, एक ये हो गया और एक हो गया ये वाला। और जो दो आपने पीछे की तरफ देखे वो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इस तरीके से होप को पूरा मैनेज कर दिया जाता है, पूरा सेफ कर दिया जाता है होप को। अगली चीज़ जो है वो है होप के लिए, मैंने आपको बताया जो होप का ऊपर वाला पोर्शन है, आपने देखा दो जो स्ट्रैप जैसे दिखाई दे रहे थे उसमें, तो अब दो में क्या काम था कि हमने जो ये वाला पोर्शन है वो ऐसे करके इसके अंदर से घुसाते हुए दोनों स्ट्रैप के अंदर से जाता है, फिर ऐसे करके ये एक राउंड ऐसे घूमते हुए वापस ऐसे दो स्ट्रैप के अंदर से होते हुए इस तरीके में इस वाले से ऐसे करके क्लिप हो जाता है। दैट्स इट। सो दिस इज़ द थिंग। और बाइक आप देख रहे हैं किस तरीके की लग रही है, बाइक जो है ना सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मुझे लगा था बाइक का मे बी लुक ख़राब हो जाएगा, बट बाइक और ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे को पता नहीं क्यों मैं ऐसा कह सकता हूँ, अभी आप ध्यान से देखें तो। और होप जब बैठती है ना, अभी मैं आपको होप को बैठा के दिखाता हूँ, तो अलग ही सीन होता है। मैं आपको पहले होप को बैठा के दिखाता हूँ और क्लिप करके दिखा दूँ कि होप किस तरीके से बैठती है। sit.
हो? तो होप जो है वो बाइक में बैठे हुए इस तरीके में लगती है। ये देखिए, ये है बाइक का पूरा व्यू और ये यहाँ पे होप। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसे है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके बेसिकली। अच्छा एक चीज़ और, जब भी मैं होप को कहीं ले जा रहा हूँ, एक्चुअली अभी दो दिन हो रखे होप की ट्रेनिंग को, बट आपको जो होप की फर्स्ट राइड है वो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। जब भी मैं होप को कहीं ले जाता हूँ तो इसका जो आपका कॉलर है और इसका जो लीश है वो ज़रूर इसमें बांध लेता हूँ, क्योंकि वरना मैं वहाँ जाके जब भी कहीं उतरता हूँ कहीं पर तो मुझे याद आता है होप की हमने लीश तो रखी नहीं, कॉलर तो रखी नहीं। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था होप का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक बकल इधर है और यही बकल ऐसे करके नीचे से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद दो पीछे के हो गए, ये देखिए हार्नेस में जो हमने सिले थे एक, और ये हो गया दूसरा, ठीक है। अभी जो तीसरा वाला था वो चौथा, एक दो तीन और ये है चौथा, वापस इधर नीचे की तरफ। अगली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो मैंने बताया था, जो इधर के दो इसके रेड स्ट्रैप है होप के ये वाले, इसके अंदर से जो ये वाला पोर्शन है ये हमने कुछ इस तरीके का बनाया, एक बेल्ट जैसा, ताकि होप ज़्यादा ऊपर ना उठ सके बेसिकली। तो ऐसा कुछ है, ये अंदर से गया है, फिर एक राउंड मार के वापस अंदर से ऐसे डालते हुए इस स्ट्रैप को हमने यहाँ पे बकल से क्लिप कर दिया है। तो ये देखो होप अभी बाइक में बैठे हुए ऐसी लगती है, और ये देखो होप के पांव यहाँ तक अभी पहुँच रहे हैं। होप थोड़ी और लंबी होगी तो मेरे ख्याल से मे भी हमें जो डिज़ाइन है बाइक का वो चेंज कराना पड़ जाए, बट फिलहाल तो जो बाइक है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। होप जब से बैठ गई है ना तब से और बढ़िया लग रही है। होप मज़ा आ रहा है, वैसे तो वो बोल नहीं सकती पर बहुत मज़े ले रही है सही बताऊँ तो होप, क्योंकि जब मैंने देखा है ना ये बाइक में बैठती है तो जो हवा चलती है ऐसे करके अपना मुंह ऐसे विंड की डायरेक्शन में करे रखती है और पूरे मज़े ले रही है होप, मज़ा आ रहा है होप को। तो सही बताऊँ तो मेरा जो एम था ना वो कुछ इस तरीके का ही था कि बेसिकली होप को अपने साथ ट्रैवल कराया जाए। एक्चुअली मैं जब भी कहीं जाता था तो मुझे होप की टेंशन लगी रहती थी, हालाँकि वहाँ देखने वाले हर कोई हैं, अंकल आंटी सैंदा भाभी अंशु सब, और जितने नाम ले लूँ वो कम है, तो बट स्टिल एक मन में रहता ना कि यार होप को ले जाना है कहीं, अपने साथ जाना है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि होप को अपने साथ प्रॉपर ले जाऊँ हर जगह, और सीन तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा तब तक मैं आपको एक बाइक का जो हमने ये इंस्टॉल करा है उसका एक सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ और बाइक कैसी लग रही है, एंड आप लोग तब तक ये देखिए। उम्मीद है आप लोग को जो आज का व्लॉग था वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ ज़रूर नया देखा होगा, क्योंकि मैंने इंडिया में इस तरीके का कुछ देखा नहीं किसी की, किसी ने मैनुअली इस तरीके में डिज़ाइन करा। एक्चुअली जो छोटे डॉग्स हैं उसके लिए तो डॉग के एरिया पीछे से बन जाता है, एक जो आपने बॉक्स देखा ना पिंजरे वाला उस टाइप में, बट ये जो डिज़ाइन करना था काफ़ी टफ था, ये चुनौती थी, ऐसा कुछ सीन था। तो होप और मैं अब उम्मीद है कि ट्रैवल करते रहेंगे और मज़ा आने वाला है अब, एंड दिस इज़ द थिंग।
तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपने कुछ नई चीज़ देखी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख सकें। एंड दिस इज़ द थिंग। और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, सही बताऊँ तो दिल पे ना एक मेरे पता नहीं क्यों एक बोझ जैसा था कि यार कैरियर बनाना है, बनाना है, बनाना है। और जब मैंने आप बना दिया ये कैरियर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप क्या बोलते हैं, मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एक रिलैक्स्ड टाइप का, कि आप क्या बोलते हैं, होप को मैं आपके साथ ट्रैवल करा सकता हूँ। तो या दिस द थिंग एंड या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच, बाय।